शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कोरोना को लेकर भोपाल से एक बड़ी खबर है। भोपाल का जहांगीराबाद इलाका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। इस इलाके में अब तक 250 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अब नौबत इस इलाके को खाली कराने की आ गई है। यहां से 2000 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें सुरक्षित यानी ग्रीन इलाकों में ले जाया गया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हमारे संवाददाता आकर शर्मा ने प्रशासन की इस कवायद का जायजा लिया। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में मौजूद हैं। जिस तरीके से जहांगीराबाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, जिससे यहाँ से लोग कहीं और ना जा सकें, और इस पूरे ही इलाके को सील करके रखा गया है। लगातार इससे कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, करीब ये आंकड़ा अब 250 पर पहुँच चुका है। और ऐसे में बोला जाए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का धारावी बना हुआ है, उस तरीके से मध्य प्रदेश का धारावी जहांगीराबाद को बोलें तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं नगर निगम की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, स्वास्थ्य अमला मौजूद है, सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में बसों से जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको शिफ्टिंग भी की जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोगों को है वो शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पॉजिटिव मरीजों के जो संपर्क में आए थे, साथ ही उनके आस पड़ोस में रहते थे, ऐसे लोगों को खासकर चिन्हित किया गया है। और जो घनी बस्ती, जो पास पास तंग गलियों में रहते हैं, ऐसे अधिकतर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, स्वास्थ्य की टीम मौजूद है, नगर निगम की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी लोगों को बस में शिफ्ट कराया जा रहा है। नगर निगम की BCLL की ये बसें हैं, और यहाँ से शिफ्ट करके जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। और जो जिस तरीके से हॉटस्पॉट जहांगीराबाद बना हुआ है, उसमें मरीजों की संख्या कमी ला सके और पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त किया जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना को मिटिगेट करने के लिए चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर काफ़ी केसेस हैं भोपाल के, तो उसी चेन ब्रेक करने के लिए जो हमारे कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है, उन एरिया को हमने आइडेंटिफाइड किया है। ऐसे घरों को आइडेंटिफाइड किया है जहाँ स्पेस की तुलना में लोग ज़्यादा हैं, तो उन सभी लोगों की मार्किंग करके हम लोग बसों के माध्यम से उनको हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर हम लोगों को ले जा रहे हैं, ताकि चेन को ब्रेक हो जाए और एक स्पेस भी प्रॉपर हो। फिलहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, हमने देखा कुछ दिनों पहले ही जहांगीराबाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। इसके पहले इंदौर का खजराना क्षेत्र था। मेरे आपसे दो सवाल है। पहला तो आप क्या कारण मानते हैं जहांगीराबाद जो इस तरह अचानक हॉटस्पॉट बन गया? क्या घनी आबादी, एक बड़ा क्षेत्र है, आबादी बहुत है, ये कारण है या लोगों की जागरूकता की कमी? और दूसरा, प्रशासन की ये पहल प्रशासन के लिए कितनी चुनौती? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है जो आपने खुद ही कहा कि डेंस पॉपुलेटेड इलाका है वो, और दूसरी वजह यह है कि वो एक ऐसी जगह है जहां काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो सस्ते किराए के घरों की भी तलाश में होते हैं, और इस तरह के जो खासतौर से युवा हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में वहां एक एक कमरे में, एक एक रूम में पाँच पाँच छः छः यूथ जो पढ़ाई के लिए आए हैं या नौकरी के लिए आए हैं भोपाल, और वो चूंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ अपेक्षाकृत भोपाल के दूसरे इलाकों की तुलना में, चाहे नए भोपाल का मामला हो या पुराने भोपाल का, वहाँ घर काफी सस्ते मिल जाते हैं, तो लोग एक ही कमरे में रहते हैं, और ऐसी जगह हम सब जानते हैं कि वहाँ इन्फेक्शन फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। और दूसरी जो बात आपने कही, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि जिन इलाकों में ये स्थितियां हमने देखी हैं, कोरोना की चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्रम चलता चला जाता है, और फिर अगर ये एक चेन ब्रेक नहीं होती है तो फिर हम देखते हैं कि धीरे 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 वो पूरी लोकेलिटी जो है वो इन्फेक्शन के दायरे में आती है, इन्फेक्टेड होती है, और वो एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने इसको पूरा सहयोग दिया है, और करीब करीब 2000 लोगों को जो शिफ्टिंग कराने की योजना है तो उनको निकाला गया है इस इलाके से, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बहुत अच्छी बात मैं फिर कहूँगा, फिर दोहराऊँगा कि लोगों ने सपोर्ट किया है, और बिना किसी हैजल फ्री एक ऑपरेशन
नगर निगम और प्रशासन का वहां हमें देखने को मिला है। यही सहयोग लोगों से अपेक्षित है कि वो उन्हें तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन इससे न सिर्फ उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी बल्कि दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शुक्रिया आपका शरद जी बातचीत के लिए। तो फिलहाल जाहिर है कि प्रशासन ने अब यहाँ से लोगों को जो है बाहर निकालने का काम शुरू किया है, और सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि एक बहुत घनी आबादी क्षेत्र जहांगीराबाद, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, इलाका चूंकि छोटा है, आबादी काफ़ी घनी है, और ऐसे में एक बड़ा हॉटस्पॉट बनके जो भोपाल का जहांगीराबाद उभरा है, अब प्रशासन के लिए यही एक चैलेंज भी है, और प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश भी कर रहा है। बहरहाल लोगों का भी इसमें सपोर्ट मिल रहा है और कई लोगों को यहाँ पर से अब बाहर अलग शिफ्ट किया जा रहा है।